नाम है प्रकाश और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है प्रकाश एक्स फायर। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मेरे बैकग्राउंड में जैसमंड विश्व प्रसिद्ध मीठे पानी की जैसमंड झील का आप देख सकते हो, ये रूठी घाटी का महल है और ये जैसमंद है। और अभी हाल ही में सोलंपुर जिला नया गठित हुआ है और मैं अभी खड़ा हूँ पंचायत समिति जैसमंड। और यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो युवा है, वो उदयपुर में जाना चाहते हैं या फिर सोलंपुर में जाना चाहते हैं, उनका मिजाज क्या है, उनका मन क्या है, तो मैं सबसे पहले परिचय कराऊंगा। सर क्या नाम है आपका? शांतिलाल मीणा, बिहार जिला उपाध्यक्ष एसटी मोर्चा उदयपुर। आपका इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आपका स्वागत है। और जी जैसे कि जैसमंद है आपका गाँव है और ये सोलंपुर के साथ जाना चाह रहा है या फिर उदयपुर के साथ में जाना चाह रहा है, आप हमारे ऑडियंस को बताएं। हमारी स्थानीय जनता तो सब चाहती है कि हम सोलंपुर हमारा नियरेस्ट है, पास का नया जिला बना हमारे लिए बहुत, सोलंपुर वासियों के लिए बहुत हर्षोल्लास की बात है। हम सभी सोलंपुर में जाना चाहेंगे क्योंकि सोलंपुर हमारा काफी नजदीक है, यहाँ से 20 किलोमीटर है और उदयपुर हमारे यहाँ से 55 किलोमीटर है, इसलिए यहाँ के लोग तो सब खुश है सोलंपुर जिला बनने से। तो यानी कि आप सोलंपुर के साथ जाना चाहोगे? हम सोलंपुर के साथ जाना चाहेंगे, सोलंपुर हमारा पास का है और हमारी विधानसभा भी है, 20 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है हमारी, तो हम सभी यहाँ के क्षेत्रवासी सब सोलंपुर जिला बनने से काफी हर्षोल्लास खुश है। जी आप जैसे कि आपको पता होगा कि जैसमंड विश्व प्रसिद्ध आर्टिफिशियल मीठे पानी की एशिया में सबसे पहली झील है ना, आर्टिफिशियल हाथों से बनाई हुई, और यहाँ पर उप पंचायत समिति भी है, शायद पंचायत समिति भी है, उप तहसील है यहाँ पे। और हम चाहेंगे सरकार से आगामी समय के लिए कि यहाँ तहसील का दर्जा मिले और हमारे यहाँ पे थाने की कमी है, जो थाना हमारे कोई भी पर्यटक की दृष्टि से यहाँ पर देश विदेश से पर्यटक आते हैं ना, पर्यटक की दृष्टि से यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ पे वर्ल्ड की 2nd नंबर मीठे पानी की झील है और एशिया की नंबर 1 मीठे पानी की झील है। इसलिए हम चाहेंगे आगामी कार्यकाल में या बजट में सरकार यहाँ पे रोपवे वगैरह इस तरह का डेवलपमेंट करे तो उदयपुर जैसे से पर्यटकों को हम यहाँ भी लाभान्वित कर सकते हैं। हालांकि वन विभाग है जो नए नए जो यहाँ पर विकास के आयाम पैदा कर रहे हैं और विकास कर रही है, और किस तरह का आप विकास चाहोगे जैसमन यहाँ पर? वन विभाग ने हाल ही में हमारे जैसमन सेंचुरी का जो वर्क इन प्रोग्रेस अभी काम चालू है, तो उसके लिए वन विभाग की और सरकार को पूरी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और इसी तरह से काम करे हमारे यहाँ पे काफी गार्डन वगैरह इस टाइप का डेवलपमेंट हो ताकि यहाँ पे पर्यटकों का जमावड़ा हमेशा बना रहे और यहाँ की स्थानीय जनता के लिए भी रोजगार के साधन बने रहे। जी आपका बहुत बहुत स्वागत था, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे ऑडियंस को बताई। और मेरे साथ अभी खड़े हैं, आप देख सकते हो कि ये है यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार है और कई समाचार पत्रों से भी जुड़े हुए हैं और ये वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रसर है और निरंतर ये समाज सेवी का काम करते हैं और जो लोगों की होती है जितनी भी वो आगे सरकार तक पहुंचाने का इनका काम है और इनको काफ़ी इस बारे में नॉलेज भी होगा। तो मैं सबसे पहले इनका मेरे चैनल पर इनका स्वागत है, इस्तकबाल है और मैं इनका परिचय करवाऊंगा। जी सर आपका नाम क्या है? लक्ष्मण भारती गोस्वामी, जैसमंद दैनिक भास्कर से हूँ मैं। शुक्रिया प्रकाश जी, पहले तो जैसमंद में आपका स्वागत है। जी जी सर, जैसे अभी घोषणा किया सरकार ने सोलंपुर को नए जिले के रूप में, तो आखिर नया जिला बनने पर क्षेत्रवासी में खुशी की लहर है क्योंकि पहले जिला मुख्यालय यहाँ से जैसमंद से 50 किलोमीटर था, अब बिल्कुल नजदीक 17-18 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। और सोलंपुर जिला जिसे घोषणा हुई है और घोषणा के हिसाब से अगर सोलंपुर जिला यथावत रहता है बनता है तो निश्चित तौर पर जैसमंद को काफी काफी मतलब बहुत फायदा है। पर्यटन की दृष्टि से जैसमंद में बहुत बड़ा विकास होगा और अगर सोलंपुर जिला यथावत रहेगा और घोषणा के हिसाब से अगर कायम रहेगा तो निश्चित तौर पर जैसमंड उपखंड बनेगा और इससे काफ़ी लोगों को फायदा होगा। और सोलंपुर को जिला बनने से जो औद्योगिक क्षेत्र है वो काफ़ी क्षेत्र में बढ़ेगा, जिससे यहाँ के युवा बेरोजगारों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने ही 17-18 किलोमीटर के दायरे में रोजगार उनको उपलब्ध होगा जिससे वो समय पर रोजगार पाएंगे और 2 पैसा कमा कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। तो सर जैसा कि पत्रकार जी आप यहाँ सक्रिय पत्रकार भी हो, ठीक है, वर्षों से यहाँ पर काम कर रहे हो और आप लोगों का मन भी पढ़ते हो कहीं ना कहीं, और हर वर्ग के लोग आपसे जुड़े हुए, शायद वो
गवर्नमेंट जॉब का हो या एक निर्धन एक मजदूर और किसान भी हो, ठीक है, उनकी मन की क्या बात है, आप वास्तविक कहना वो उदयपुर के साथ जाना चाह रहे हैं या फिर सलोम्बर के साथ में जाना चाह रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखो बहुत सारी जगह विरोध भी होता है, बहुत सारे कह रहे हैं कि सोने की तलाश में हमने हीरा खो दिया, लेकिन उदयपुर से जुड़ाव तो हमारा हमेशा रहेगा और ये सरकार का कार्य है, सरकारें आती जाती रहती है, सरकार का काम है विकास करना, तो एक तौर पर विकास ही है। जिला घोषित करना या जिला बनाना कोई मामूली बात नहीं है, अच्छी बात है कि जिला बन गया तो क्षेत्र में निश्चित तौर पर डेवलपमेंट काफ़ी होगा और हमें काफ़ी उम्मीद है। जैसा कि आपको पता है कि जयसमंद नाम जयसमंद विश्व पटल पर एक पहचान रखता है, यहाँ पर देश विदेश से पर्यटकों का आवागमन रहता है, पूरे दिन रहता है। और आपको पता है कि जयसमंद झील का इतिहास भी है, हजारों सालों का इतिहास है। और आपको पता है कि एशिया की पहली कृत्रिम झील है जो यहाँ लोगों के द्वारा हाथों से बनाई हुई है। तो सर जयसमंद विश्व पटल पर पहचान भी रखता है, ठीक है, तो जयसमंद के लिए क्या खास सरकार को करना चाहिए? जैसमंद, देखो जैसमंद को तो सबसे बड़ा ये टूरिस्ट पॉइंट है और सलोम्बर को जो जिला घोषित किया उसमें सबसे बड़ी भूमिका जैसमंद और महाराणा प्रताप समाधि स्थल की है। जैसमंद एक विख्यात टूरिज्म पॉइंट है, उसके अलावा या इसमें पानी की इतनी प्राप्त क्षमता है जो उदयपुर शहर सलोम्बर विधानसभा पूरे क्षेत्र को ये पेयजल के रूप में और सिंचाई के रूप में किसानों को मिल रहा है। और हम यही चाहेंगे और यहाँ की आम पब्लिक, युवा या किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो या जनप्रतिनिधि हो, सभी यही अपेक्षा रखेंगे कि जैसमंद का डेवलपमेंट एक नेशनल लेवल तक किया जावे कि ताकि यहाँ आने वाला पर्यटक देशी विदेशी पर्यटकों का बढ़ावा हो और पर्यटकों का बढ़ावा होगा तब आम आदमी का रोजगार मिलेगा, व्यापारी को काफी फायदा होगा और निश्चित तौर पर अगर ऐसा हुआ तो विदेश से पर्यटक जो अभी जैसमंद कम आना पसंद कर रहे हैं उनका आना जाना अधिक बढ़ेगा और इससे काफी फायदा मिलेगा और उदयपुर की जो पहचान थी जैसमंद की वो अब सलोम्बर से जुड़ी रहेगी। जी आप दोनों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत था, जो हमारी ऑडियंस को इतनी जानकारी बताई है। और पत्रकार जी को, लक्ष्मण भारती जी को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो इन्होंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताई। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।